हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स जैसे कि हमें पता है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट। लाइट हमें पता है कि लाइट के वजह से ही हम कुछ भी देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम तो ये देख रहे हैं कि लाइट होता क्या है। उससे पहले एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ऑप्टिक्स होगा मतलब लाइट, तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है उसको दो पार्ट में पढ़ना रहेगा। एक होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और एक होगा वेव ऑप्टिक्स। तो इस चैप्टर में हम रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे फोकस करेंगे। वेव ऑप्टिक्स हम लोग वेव चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि लाइट होता क्या है। लाइट क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। फिर हमें साथ में ये भी पता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। ऑल्सो है पार्टिकल नेचर। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। पार्टिकल्स ऑफ लाइट फोटॉन, या फिर उसको हम लोग क्वांटा भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, एक तो वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। अब इसके जो दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उनके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है। तो दूसरा पॉइंट, तो ये हमने पहले तो देखा कि लाइट क्या होता है। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इस लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। सबसे पहला, लाइट जो होगा वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे सन से अर्थ के पास जो लाइट आ रही है उसको कोई मीडियम नहीं लगता। इट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम। अब जब ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा होता है तो इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड इन वैक्यूम इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ये लगभग राउंड ऑफ वैल्यू है। लेकिन ये जब लाइट कोई और मीडियम में एंटर करेगी तो वहां पे इसकी स्पीड चेंज होती है। अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग मिलती है। तो मीडियम चेंज होने के साथ लाइट की स्पीड चेंज होती है। तो सपोज इधर ऊपर वैक्यूम है और इधर कोई और मीडियम है, तो लाइट जब इधर आएगी, इधर सी स्पीड से आ रही है, तो जब वो कोई और मीडियम में एंटर करेगी तो वहां पे इसकी स्पीड कुछ वी हो जाएगी। तो अब ये किस फैक्टर से चेंज हो रहा है उसको लेकर के हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया गया है, सी बाई वी। इसको लेकर के हमने एक टर्म डिफाइन कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
टू इंडेक्स, जिसको हम लोग एन या फिर म्यू सिंबल से दिखाते हैं। तो कहीं पे भी कोई मीडियम का पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये जितनी स्पीड लाइट की कम होगी, स्पीड जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। अब स्पीड जितनी कम होगी हम बोलते हैं मीडियम उतना डेंस है, तभी लाइट को ट्रेवल करने में उसको उतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो गई है। तो जितना ज्यादा डेंस होगा उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ म्यू इज मोर देन मीडियम इज मोर ऑप्टिकली डेंस। हम ऐसे लिखते हैं, इफ ऑप्टिकल density of medium is higher than speed of light will be less, that means mu will be। जितना ज्यादा मीडियम ऑप्टिकली डेंस होगा उतना उसका म्यू उतना ज्यादा होगा। तो अगर आगे से कहीं पे भी हमें म्यू दिख जाए और दो म्यू में एक का म्यू ज्यादा है एक का म्यू कम है, तो जिसका ज्यादा म्यू उसको हम बोलेंगे वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट देन मास डेंसिटी। यहाँ पे दोनों चीजें सेम नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज different from mass density। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मास डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी नॉर्मली, बट हमेशा ऐसा होगा ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम वाटर और केरोसिन ऑयल लें, आपने आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है वो ज्यादा होता है देन डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल। इसलिए अगर हम कभी भी कोई कंटेनर में अगर हम वाटर ले लें और इसके ऊपर कुछ केरोसिन ऑयल डालें, सपोज ये केरोसिन ऑयल है तो वो ऊपर को फ्लोट करता है और नीचे वाटर है, जो कम डेंसिटी वाला लिक्विड होगा वो ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। लेकिन अगर हम म्यू निकालें, अगर हम म्यू ऑफ केरोसिन ऑयल निकालें तो वो ग्रेटर आता है म्यू ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि केरोसिन ऑयल ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है बट मास डेंसिटी उसकी कम है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ऑप्टिकल density of kerosene oil is more than water, while mass density of oil is less than। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा ही होगी। नॉर्मली सिचुएशन में मास डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा आती है।
अगर हमें दो मीडियम दे दिए गए हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नॉर्मली हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। बेटर है कि हमें पता हो उसके अकॉर्डिंग है। तो ये तो अभी हम देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे, इसमें जैसे हमने देखा कि एक तो स्पीड, ये लाइट कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है विदाउट मीडियम भी, और उसकी स्पीड क्या होती है 3×10^8। फिर अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग होगी, जितनी ज्यादा स्पीड कम होगी उतना ज्यादा हम बोलते हैं मीडियम डेंस है, और उसके लिए टर्म यूज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू ज्यादा तो डेंस ज्यादा। फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी पर। ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है मास डेंसिटी, तो ये हमने एक एग्जांपल देखा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि लाइट वेव है। आपने टेंथ में थोड़ा पढ़ा होगा कि जब भी कोई वेव होता है तो वेव की एक स्पीड होती है, एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड को हम ऐसे आपस में रिलेट करते हैं। तो ये चीज लाइट के लिए भी वैलिड है क्योंकि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम कोई मीडियम में म्यू निकाल रहे हैं तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी बाई वी। सी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम इनटू वेवलेंथ इन वैक्यूम, जिसको हम लोग लैम्डा नॉट और एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और वी को लिख सकते हैं एफ इंटू लैम्डा। ये फ्रिक्वेंसी, ये जो एफ है ये फ्रिक्वेंसी इन मीडियम है, ये वेवलेंथ इन मीडियम है, F नॉट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम है, लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कभी भी चेंज नहीं होती, हर मीडियम में ये सेम होगी, ये अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे तो हमारा म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, इसको मीडियम बोलते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम इसको c by v, स्पीड का रेशियो भी ले सकते हैं, वेवलेंथ का रेशियो भी ले सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ इन वैक्यूम, लैम्डा एम वेवलेंथ इन गिवन मीडियम। अब यहाँ पे देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग मीडियम में क्यों चेंज नहीं होती, एक वेव अगर एक बार चलना स्टार्ट कर देती है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, मीडियम पे वो डिपेंड नहीं करती। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल हमें वेव वाले चैप्टर में से देखेंगे, अभी बस आप याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज विथ मीडियम, ये केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। एक बार लाइट किसी सोर्स से निकल गई तो वो कहीं पे भी जाएगी उसका फ्रिक्वेंसी सेम रहेगा, अलग अलग सोर्स की फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सोर्स से चलने वाली लाइट किसी भी मीडियम में जाएगी तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ अभी बस हम इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्वेंसी इज depend on source, it will not change with medium। ये medium के साथ change नहीं करेगा, light कहीं
वैक्यूम से आ रही है किसी मीडियम में, यहाँ फ्रिक्वेंसी एफ है तो इस मीडियम में गई तो यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी एफ रहेगी। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, अगर इधर वेवलेंथ कुछ लैम्डा वन है तो इधर आकर के कुछ लैम्डा टू हो गई। स्पीड चेंज हो जाएगी, इधर वी वन है तो इधर आके वी टू हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी, उतना वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ये भी देखिए एक चीज, जितना ज्यादा वेवलेंथ छोटा होगा उतना ज्यादा म्यू बढ़ेगा, मतलब जितना डेंस मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंस वहां पे म्यू लैम्डा उतना छोटा हो जाएगा, वेव उतनी छोटी हो जाएगी वेव की वेवलेंथ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर हमारा मीडियम कोई लाइट किसी मीडियम में जा रही है और अगर वो मीडियम हर जगह सेम टाइप का है, सेम टाइप के मीडियम को हम बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम। अगर वो हर तरफ सेम टाइप का है तो लाइट उस होमोजीनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि इफ मीडियम इज होमोजीनियस, आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, जब मीडियम अलग अलग होगा चेंज होगा तो वहां पे वो रिफ्रैक्ट होते हुए चलता है, पाथ चेंज होते हुए चलता है, लेकिन अगर होमोजीनियस है तो स्ट्रेट चलेगा। इफ मीडियम इज होमोजीनियस देन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या ऑप्टिकल पाथ लेंथ। सपोज लाइट आ रही है वैक्यूम से और सामने कोई ऐसा मान लीजिए कोई स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, तो लाइट को इसमें जब वो एंटर करेगा, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कितनी आ जाएगी, सी बाई म्यू, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो इसका मतलब वी इक्वल टू सी बाई म्यू, तो इतने टाइम में वो क्रॉस करेगी और फिर यहां पहुंचेगी। तो इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, मान लेते हैं जो टाइम लगा डेल्टा टी ले लिया, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कोई स्लैब हमने लिया था उसकी थिकनेस टी थी, तो डेल्टा टी की वैल्यू हम कितनी बोलेंगे, टी अपॉन में वी। अब इतने ही टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना ट्रेवल कर जाती, अगर यहां तक मान लीजिए आई दोनों जगह दो रे आई, यहां तक दोनों के लिए सब कुछ सेम था, अब यहां जब तक लाइट यहां वाली रे यहां पहुंचेगी, यहां वाली रे थोड़ा आगे पहुंच जाएगी, तो वैक्यूम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा टी डैश, उसकी वैल्यू हम कितनी बोलेंगे, सेम टाइम में बाहर वो वैक्यूम में इतने टाइम में कितनी चली जाएगी, सी इंटू टी बाई, अब सी बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू मीन्स म्यू टी, मतलब हम बोल सकते हैं टी लेंथ ऑफ म्यू मीडियम इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी लेंथ इन वैक्यूम, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ।
ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या हुआ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ है क्या, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये वो लेंथ है वैक्यूम में जो लाइट कवर करेगी सेम टाइम में जितने में वो किसी और मीडियम में कवर करती है। आई होप क्लियर है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन सेम टाइम एज टेकन इन एनी मीडियम। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, देखिए जहां पे भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आएगी, मान लीजिए ऊपर मीडियम वन है नीचे मीडियम टू है, ये इनकी बाउंड्री है जहां से मीडियम अलग हो रहे हैं, तो एक मीडियम से रे आने के बाद जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट हो गई वो रिफ्लेक्टेड रे, जो आगे चली गई अगले मीडियम में उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे आई थी इसको बोलते हैं इंसिडेंट। तो जब भी लाइट जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली जाएगी तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, और अगर वो दूसरे मीडियम में चली गई तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ने रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले रिफ्लेक्शन से, लेकिन ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा या पूरा का पूरा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पोर्सन रिफ्लेक्ट होता है कुछ पोर्सन रिफ्रैक्ट हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे कुछ सिल्वरिंग वगैरह कर दी, कुछ ऐसा कर दिया कि यहाँ पे कोई रे इधर दूसरे साइड में जा ही नहीं पाएगी, उस केस में 99.99% रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल मीडियम है ऐसे तो कुछ ऐसे अब सिल्वरिंग वगैरह नहीं हो रखी है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होता है कुछ परसेंट रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट जो फिनोमेना है उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे और दूसरे मीडियम में जो चला गया उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो हमें पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखना है, इफ रेज आर इंसिडेंट एट बाउंड्री two medium then some percentage of light will be reflected while some percentage of light will be refracted. तो ऐसे कुछ 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 हो रहा है, तो इनमें रिफ्लेक्टेड वाले को हम लोग रिफ्लेक्टेड वाला जो पार्ट हुआ उसकी वजह से उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
रिटर्निंग ऑफ रेज इन सेम मीडियम, इसमें ऐसे आए तो उसी में वापस आ जाने को, इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन व्हाइल मूविंग टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे मेनली जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसमें हमें ये दो चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन से शुरू करेंगे, और उससे पहले कुछ थोड़े से बेसिक टर्म्स हमें देखने हैं। जैसे हम तो हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखने जा रहे हैं अभी। तो इसमें जैसे एक हम बेसिक टर्म देखेंगे रेज। अक्सर हम बोलेंगे और लाइट की एक रे आ रही है, ऑप्टिकल रे आ रही है। तो रे का क्या मतलब होगा, जैसे कोई भी लाइट आ रही होगी तो वो कोई पाथ पे ट्रेवल होके आ रही है, तो इस पाथ को ही हम लोग रे बोलते हैं, जिस पाथ से रे आ रही है। लाइट एक वेव है, तो वेव कोई पाथ पे ऐसे आ रही होगी, ये कोई वेव है वो ऐसे कुछ आ रही है, तो ये जिस पाथ पे आ रही है यही हमारी रे है। फिर एक टर्म होगा बीम। बीम क्या होगा, अगर एक साथ कई सारी रेज को हम देख रहे हैं, कई सारे रेज हैं, तो उनके कलेक्शन को हम लोग बीम बोलेंगे। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम। अब देखिए ये जो बीम होंगे इसके भी हम तीन टाइप बनाते हैं। अगर बीम ऐसे सारे के सारे रेज बीम में पैरेलल चल रहे हैं तो इसको पैरेलल बीम बोलेंगे। अगर सारे रेज कोई एक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसको कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। अगर एक पॉइंट से ऐसे रेज निकल रहे हैं तो इसको डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। ये हमारा हो गया पैरेलल बीम, ये हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम, और ये हो जाएगा डाइवर्जिंग बीम। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहां रिफ्लेक्शन में क्या है, सपोज हमने दो मीडियम ले लिए, ऊपर कोई मीडियम वन है, नीचे मीडियम टू है, बीच में इनका बाउंड्री है। अब अगर कोई रे आई और अब हमें पता है कि कुछ मीडियम टू में भी जाएगा, कुछ मीडियम वन में भी, तो अभी हम केवल मीडियम वन में जो जाएगा उस पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेकेंड मीडियम में रे गई नहीं, बट अभी हम एक बार में एक पे ही फोकस कर रहे हैं। तो कुछ लाइट आई और हमें पता है कि जिस पॉइंट पे लाइट आके गिर रही है उस पे हमने एक लाइन मीडियम के ये बाउंड्री के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो अब ये जो लाइट होगी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो नॉर्मली अभी मीडियम टू में नहीं जाना है तो हम इसको ऐसे सिल्वरिंग करके दिखा देते हैं, सिल्वरिंग है तो कुछ भी लाइट अभी दूसरे साइड नहीं जा रही। तो यहां पे देखिए क्या होगा, इसको तो हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, इसको हमने पहले ही बोला था ये क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर और ये नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आए उसको आई से दिखा रहे हैं, और जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ ये जा रहा है उसको आर से दिखा रहे हैं। ये जो एंगल आई होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और एंगल आर जो होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये वाई ने ई, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। तो ऐसे लाइट जाकर के जिस मीडियम से लाइट आई वापस उसी में चली गई, तो ये रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ तो उसके लिए कुछ लॉ है, कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो होते हुए ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो वो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है हमें वो समझना है। वो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो लॉ है वो हमें ध्यान रखना है। पहला लॉ कि यहाँ पे देखिए तीन लाइंस है, एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल और एक रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों के तीनों ही जो रेज हैं वो एक ही प्लेन में, जैसे अभी ये हमारे स्क्रीन के प्लेन में तीनों रे, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे स्क्रीन के प्लेन में होंगे और रिफ्लेक्टेड रे आपकी तरफ बाहर को आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे को शॉर्ट में मैं आई आर लिख देता हूँ, नॉर्मल को शॉर्ट में एन लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे को आर आर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट लॉ हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल द सेम विल लाई इन सेम प्लेन। अगर हम इंसिडेंट रे को आई वेक्टर से दिखाएं, नॉर्मल को एन वेक्टर से और रिफ्लेक्टेड रे को आर वेक्टर से, तो तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में होंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था ना ट्रिपल प्रोडक्ट इनका जीरो होगा, जिसको हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में भी हमें लिखना आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, अब अगर याद नहीं है तो एक बार देखिए नोट्स में ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इनको हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल टू जीरो है, माइनस आता है एक बार इंटरचेंज करने से, आप कोई को भी इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बार आपस में इंटरचेंज करने से एक माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन जीरो के इक्वल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ फॉर रिफ्लेक्शन क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रे विल बी जीरो। फिर सेकंड देख रहे हैं, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रे और एन वेक्टर के बीच का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम आई वेक्टर और एन वेक्टर, एन यहाँ पे ध्यान रखिए किधर को है, ऐसे एन वेक्टर, आई वेक्टर और एन वेक्टर में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे आए है आई वेक्टर, हमने ऐसे दिखाया इंसिडेंट रे के अलोंग आई वेक्टर, और एन वेक्टर इधर को है, ये वाले एंगल को हम आई बोल रहे हैं। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें, अगर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल कॉन्साइड हो रहा है तो उस टाइम पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल किसको बोलेंगे, हेड को आगे एक्सटेंड करेंगे, और ये जो बाहर वाला एंगल होगा इसको बोलेंगे ये इनके दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर हम आई वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, आई का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 180 माइनस आई, कॉस 180 माइनस आई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस आई, ऐसे आ जाएगा। हमें देखिए ये दिखाना है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, तो हम इसको
ऐसे करके दिखा सकते हैं कि cos i इक्वल टू हो गया i डॉट n अपॉन i n। अब अगर हम r की वैल्यू निकालें अगर हम यहां r निकालें तो यहां क्या हो रहा होगा, नॉर्मल तो हमारा ऐसे जा रहा है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ये एंगल r है, तो इनके बीच में दोनों के टेल ऑलरेडी कौन साइड हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं ये जो हमारा एंगल है यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, तो इनके बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें n और r के बीच में तो क्या आएगा, n वेक्टर r वेक्टर इनटू cos r, हम बोल सकते हैं cos r इक्वल टू n डॉट r ऑन अब हमें पता है कि यहां पर cos i इज इक्वल टू cos r, तो हम बोल देंगे माइनस i डॉट n अपॉन i n इक्वल टू n डॉट r अपॉन n, तो ऐसे हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं सेकेंड लॉ को, तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एक बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं, सपोज कहीं पर इंसिडेंट रे दिया हुआ है कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और नॉर्मल का दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो हमें बताना है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे में रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जब ये ऐसे 3D में चीजें आएंगी तो इतना आसान नहीं होगा कि हम i दिखा दे n दिखा दे और फिर उस रास्ते के अलोंग r दिखा दे, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रे के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा अभी मैं डिराइव करता हूं, लेकिन आपको ऐसा ये एक एक्सप्रेशन ध्यान रखना रहेगा कि रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू इंसिडेंट रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर माइनस टू आई एन कैप इनटू एन कैप। इसमें देखिए ये आई डॉट एन कैप तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, तो ये टू इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू ये एन वैक्टर है या आई वैक्टर है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे और एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल। हमेशा ध्यान रखिएगा सरफेस से अवे होगा ना, जैसे ये मीडियम है नॉर्मल हमेशा सरफेस से अवे होगा, एन का डायरेक्शन हमेशा इधर को होगा। तो अब देखिए ये हम कैसे, एक बार देखिए हमें अगर ये एक्सप्रेशन पता चल गया तो हम आई वेक्टर दिया है उसको यूनिट वेक्टर बना के यहां डाल देंगे, एन वेक्टर दिया यूनिट वेक्टर बना के यहां डाल देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, यूनिट वेक्टर डाल के डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिर इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, वो नहीं करने की जरूरत है, मैं ये एक्सप्रेशन कैसे आता है वो आपको डिराइव करके समझा देता हूं। तो आप देखिए यहां पर ये हमारा सपोज n कैप के लॉन्ग, हमने n के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिया हुआ है इस डायरेक्शन में
इधर कोई इंसिडेंट रे है, हमने मान लिया कि एक यूनिट वेक्टर इधर को कोई आई कैप है और इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर आर कैप है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसमें हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले ले रहे हैं सरफेस के पैरेलल, ई पैरेलल बोल देते हैं उसको, और एक हमने वेक्टर ले लिया सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको ई परपेंडिकुलर बोल। तो हम देखिए ये जो ये यूनिट वेक्टर है उसको इन दोनों के टर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर इस डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर आई कैप, तो उसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वन कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, वन साइन थीटा। अब इस वाले कंपोनेंट में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई कैप परपेंडिकुलर वाला और इसको ई कैप पैरेलल वाला, तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा आई कैप है उसको रिजॉल्व करके वन कॉस थीटा इंटू ई परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर। वेक्टर रिजॉल्व करना सबको याद होगा कि जिधर को भी कोई भी वेक्टर को हम रिजॉल्व करके उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दूसरा वन साइन थीटा इंटू ई पैरेलल ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब हमारा इंसिडेंट रे क्या आ गया, कॉस थीटा ई कैप परपेंडिकुलर, साइन थीटा ई कैप पैरेलल, तो ऐसे हमने इंसिडेंट रे को लिखा। अब अगर सेम टाइप से हम रिफ्लेक्टेड रे को लिखें, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया वन मैग्नीट्यूड का, तो उसका इधर को क्या कंपोनेंट आएगा और इधर को क्या कंपोनेंट आएगा, हमें पता है ये एंगल थीटा है, अगर हमने इधर वन मैग्नीट्यूड लिया तो उसका इधर कंपोनेंट आएगा वन कॉस थीटा और इधर आएगा वन साइन थीटा। अब ये वाला इस यूनिट वेक्टर के लॉन्ग है, ये वाला हमारा इसके लॉन्ग है, और ये वाला वन कॉस थीटा इसके अपोजिट है, तो हम आर कैप को कैसे लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा ई पैरेलल और साइन थीटा ई पैरेलल, ये ई परपेंडिकुलर का सॉरी। तो हमने आई और आर लिख दिया, हमको आई कैप तो पता है, आर कैप निकालना है, और एक चीज ये ध्यान रखना है कि एन कैप किधर होगा, माइनस ऑफ ई परपेंडिकुलर के लॉन्ग, दोनों अपोजिट है, हमने ये जो ई परपेंडिकुलर लिया वो नीचे को लिया है जबकि एन कैप किधर है, ऊपर को। अब देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू, अगर हम इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट कर दें तो आई कैप माइनस आर कैप इक्वल टू आ जाएगा टू कॉस थीटा ई परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ई परपेंडिकुलर को तो हम एन के टर्म में लिख सकते हैं, यहां से यहां पे हमें ई परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, एन कैप माइनस एन कैप। कॉस थीटा की और वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा को हम आई और एन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, हमें पता है कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ये एन कैप है, इधर को आई कैप है, ये एंगल थीटा है, तो अगर हम आई और एन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनके बीच का एंगल क्या लेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं अभी एक का हेड और एक का टेल कौन साइड हो रहा है, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप एन कैप इक्वल टू, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, इनटू कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, सही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जहां पे भी हमें कॉस थीटा लिखना है वहां क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको यूज करेंगे और यहां पे डाल देंगे, और तो
ये हमारा क्या बन जाएगा, अभी हमें मिला है आई कैप माइनस आर कैप इक्वल टू टू कॉस थीटा ई परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा की जगह लिख देंगे माइनस आई कैप एन कैप, और ई परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस एन कैप। तो इससे हमें ये आ जाएगा टू आई कैप एन कैप। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां डॉट नहीं लगाएंगे ना, यहां डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक नंबर है, एक नंबर का एक वेक्टर के साथ नॉर्मल प्रोडक्ट होता है ना, ऐसा कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसको यूज करके अब हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस टू आई कैप एन कैप। तो ये देखिए एग्जाम में डिराइव करने में बहुत टाइम लगेगा, आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, जब भी आई वेक्टर दे एन वेक्टर दे आप उनको यूनिट वेक्टर बनाइए। यूनिट वेक्टर बनाना आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, कोई भी आई वेक्टर दिया है तो आप क्या करेंगे आई वेक्टर को उसके सॉरी आई कैप बनाना है ना, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सेम वे में एन वेक्टर दिया है प्रॉब्लम में तो एन को एन कैप हमें बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके दोनों की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे फॉर्मूले में तो आर कैप आ जाएगा। तो आई होप क्लियर है रिफ्लेक्शन, ऐसे वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे। अब रिफ्लेक्शन पे एक हम लोग बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई मिरर है, मिरर को हम ऐसे एक साइड में डॉटेड लाइन करके दिखाते हैं, इसका मतलब होता है सिल्वरिंग की गई है। सिल्वरिंग करने से रे दूसरे साइड में नहीं जा पाएगी, तो ऐसे कुछ लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, ये कुछ थीटा एंगल पे आ रहा होगा तो और रिफ्लेक्ट होके जा रहा होगा। अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज घुमा दे, ऐसे कि मिरर को फिक्स ये एंगल कुछ रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम मिरर को थीटा एंगल से घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी हमें वो बताना है। अभी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है सेम एंगल पर, अब हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को रोटेट कर रहे हैं। इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर rotated by angle theta, then find angle by which reflected ray will be rotated. Problem सबको clear है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए ज्योमेट्री वाला एक मेथड होगा, लेकिन उससे अच्छा एक और तरीका होगा डेविएशन। अगर हम डेविएशन देख लें तो उसको यूज करके और इजीली कर पाएंगे। डेविएशन क्या है, जैसे कोई भी रे ऐसे आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर को चली गई ना, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इधर इंसिडेंट रे है, तो ये अपने ये रिफ्लेक्टेड रे और इधर हमारा मीडियम था, ये नॉर्मल। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आई तो इसका देखिए मिरर नहीं होता तो वो सीधे इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग जाती, लेकिन हुआ क्या मिरर के वजह से ऐसे चली गई। तो ये जितने एंगल से ऐसे रोटेट हो गई उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं, अपने पाथ से वो कितने एंगल से डेविएट कर गई। ये डेविएशन का एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये एंगल भी हमें पता है आई ही होगा और ये पूरा एंगल कितना होगा 180। तो अगर हमें डेविएशन निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं 180 में से 2i सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई माइनस 2i। और
और ये हम साथ में ये भी बताएंगे कि किधर को, तो ये जैसे अभी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम इसको ऐसे देखते कि इधर से कितने एंगल से गई क्लॉकवाइज, ये डेविएशन जो होगा उसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉकवाइज डेविएशन। कोई भी एक आपको मेंशन करना रहेगा, हम एक ही ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वो पाई माइनस टू आई का डेविएशन हुआ, क्लॉकवाइज आप बोलेंगे पाई प्लस टू आई का डेविएशन हुआ, तो हम एक ही एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज डेविएशन देख रहे होते, देखिए अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग होगा, तो ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पाई माइनस टू आई ही होगा, वो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना रहेगा। तो जो भी आप एक फॉर्मूला लगाइए पाई माइनस टू आई और जिधर को गया है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो बता दीजिए कि किस डायरेक्शन में आपने देखा है। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है अभी ये हमारा है क्लॉकवाइज, जैसे एक दो सिंपल से एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए अभी लाइट इस डायरेक्शन में आई 30 डिग्री पर और यहाँ पे पूछा जाए कितने का डेविएशन हुआ, तो ये लाइट ऐसे गई, इसको हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल भी 30 होगा तो लाइट ऐसे डेविएट हुई। अभी देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हुई और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा की तो कितनी आएगी 180 - 60, तो आप यहाँ पे बोलेंगे 120 डिग्री है क्लॉकवाइज, आप डेल्टा निकालिए और आप कैसे देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए। और अगर मैं उसको यहाँ पे ऐसे देखूं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 180 प्लस 60 240 एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले में पाई प्लस टू आई आया तो वो हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा। देखिए ये फॉर्मूले में ऐसा नहीं है कि पाई प्लस टू आई लगा रहे तो हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा, देखिए यहाँ पर वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पाई प्लस टू आई होता है या पाई माइनस टू आई होता है और जैसा वो रोटेट हुआ सिचुएशन देख के आप बता दीजिए क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज याद नहीं रखना है ना, आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन। तो अब हम इसको यूज करके हम लोग वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, अब वो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा कि अगर हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, या मैं इसमें ही कर देता हूँ इस फिगर को रब करके फिर उसको कर देता हूँ। ये तो क्लियर होगा सबको, इसको रब करके अभी तो हम लोग वो प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें ऐसे सरफेस पे एक रे आई ये इंसिडेंट रे थी, ये हमारा पहला नॉर्मल था और ये एंगल हमने कुछ मान लिया आई, फिर इस आई के अकॉर्डिंग ऐसे आई एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जा रही होगी, पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे को आर वन बोल रहे हैं वो भी आई एंगल पे गई, फिर अगर हम मिरर को क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो मिरर ऐसे आ जाएगा, आपने ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया थीटा एंगल तो ये मिरर हो गया। अब मिरर रोटेट होगा तो मिरर पे नॉर्मल तो फिक्स है वो भी रोटेट हो जाएगा, तो अभी नया नॉर्मल इधर आ जाएगा, ये नया नॉर्मल n2 हो गया। अब अगर ये एंगल थीटा से घूम जाएगा, अब नया नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना जा रहा होगा इंसिडेंट रे के साथ आई प्लस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो नई रे जाएगी वो इस नए नॉर्मल से आई प्लस थीटा एंगल पे जा रही होगी नई वाली, ठीक है सबको क्लियर है, ये नया नॉर्मल है तो उससे आई प्लस थीटा पे रे जा रही है क्योंकि अब इंसिडेंट एंगल भी हो गया आई प्लस थीटा। अब देखिए हम यहां पर अगर डेविएशन देखें, ये इंसिडेंट रे था इसके साथ जो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे थी उसका डेविएशन कुछ डेल्टा वन था,
और बाद वाली रे का डेविएशन कुछ डेल्टा टू है, तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा पाए, ये इनके बीच के एंगल को कुछ हम लोगों ने फाई बोल दिया। तो हम देख सकते हैं फिगर में कि अगर हम डेल्टा वन से डेल्टा टू सब्ट्रैक्ट करें तो फाई मिल जाएगा। कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रही है, हम बोल सकते हैं यहाँ फाई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। और दोनों का डायरेक्शन देखिए, अगर हम डेल्टा वन निकालें तो डेल्टा वन हम कैसे निकालेंगे, पाए माइनस टू आई करके। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्टेड रे ये, तो ये एंटी क्लॉक वाइज पाए माइनस टू आई। बाद में क्या हो रहा होगा, इंसिडेंट रे फिक्स है, नॉर्मल ये हो गया, तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, तो इस नया एंगल ऑफ इंसिडेंस को यूज करेंगे और फिर से ये ऐसे जा रही है, ये नया एंगल डेविएशन होगा। दोनों ही एंटी क्लॉक वाइज है ना, नया डेविएशन हम क्या बोलेंगे, पाई माइनस टू आई प्लस थीटा, बस आई को आई प्लस थीटा डाल देंगे तो नया डेविएशन आ जाएगा फॉर्मूले में। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई निकालने के लिए तो आ जाएगा टू थीटा। और डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर मिरर को कैसे घुमाया गया है, क्लॉकवाइज थीटा एंगल से ऐसे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये पहले हमारा मिरर वन यहाँ था, ये मिरर वन, फिर ये मिरर टू वाली पोजीशन है, यहाँ पर थीटा एंगल से रोटेट किया गया क्लॉकवाइज। तो थीटा कैसा था, क्लॉकवाइज, और फाई भी कैसा आया, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए, तो मिरर भी रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डायरेक्शन में डबल मैग्नीट्यूड से रोटेट हो जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अक्सर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा keeping incident ray fixed, then reflected ray will rotate by angle 2 theta in same direction. तो I hope clear है ये। इसको solve करने के लिए हम geometry वगैरह भी use कर सकते थे, ultimately हमें ये angle निकालना है, तो हम geometry लगा करके भी angle निकाल सकते थे। मैंने जो simple तरीका हो सकता था समझाने का वो use करके ऐसे solve किया। हमने पहले deviation के लिए हमें पता है कि ये angle कितना आएगा, pi minus 2 आए, फिर ये एंगल कितना आएगा, तो ये पूरा एंगल पाई है, उसमें से ये एंगल सब्ट्रैक्ट किया, पाई माइनस टू आई प्लस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर ये एंगल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अब नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के कुछ प्रॉब्लम और इमेज वगैरह बनाना ये सब देखेंगे।